साहीवाल की वैसे तो और भी काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं, जिनमें आपको पता ही होगा कि एक तो साहीवाल नस्ल की गाय पूरी दुनिया में तो नहीं कह सकते, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। बड़े दूर दूर इलाकों में साहीवाल नस्ल की गाय जाती है, लेकिन क्योंकि साहीवाल के और खाने भी बहुत एक अपना टेस्ट रखते हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं खानों की साहीवाल में, क्योंकि साहीवाल मेरा अपना सिटी है, होम टाउन है। तो यहाँ पे आज हम फर्स्ट जो पार्ट है ना इस सीरीज़ का, वो आज शूट करेंगे। और मेरे साथ हैं ज़ैम भाई। ज़ैम भाई आज कहाँ पे जा रहे हैं हम? आज हम जा रहे हैं शनवारी रेस्टोरेंट। शनवारी रेस्टोरेंट पे आज जाएंगे। सरवर चौक, ये मिडाली रोड पे, मिडाली वहाँ पे जाएंगे हम। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक तो मेन्यू देखेंगे, जोन सी चीज़ अच्छी लगेगी उसका ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। ज़ैम भाई हमें लेके हैं शनवारी रेस्टोरेंट पे मडाली रोड पे सरवर चौक में। इनका हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे, ये चिकन स्पेशल शनवारी कढ़ाई हाफ ऑर्डर की है, और अभी ये ऑर्डर लेके आएंगे, देन हम आपको इसका टेस्ट चेक करके बताते हैं कि टेस्ट कैसा है इसका। वैसे इनका बड़ा ओपन सा माहौल है, बड़ा VIP सीन है, ओपन सीन है यहाँ पे सारा। यहाँ पे जो हमें सबसे अच्छा सीन लगा ना, वो ये है कि इन्होंने मेन्यू के अंदर सिगरेट का रेट भी लिखा हुआ है। सही में सिगरेट भी मिल जाते हैं आपको यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको शायद नज़र आ रहे होंगे, ये चिकन शनवारी कढ़ाई ऑर्डर की थी जो वो आ गई है। और ये इसका जो आप लेवल चेक करें कैसा है, इसकी खसूसियत ये है कि ये इसको ना सिर्फ टमाटरों में पकाया जाता है। ये चेक करें, बारे में ओपिनियन जो है ना वो यही है कि ये है हल्की थोड़ी सी मीठी मीठी सी, बिल्कुल नमकीन नहीं है, जिस तरह से स्पाइसी कढ़ाई होती है उस तरह का बिल्कुल कोई सीन नहीं है। अभी हमने सोचा था पहले कि ना हम वापस आते हुए ना रास्ते में कुछ और भी चीज़ें खाएंगे, लेकिन वो सीन ये हुआ कि सारा कुछ डे टाइम पर बंद था। तो इंशाल्लाह कमिंग सीरीज़ में कोई इस तरह का सीन बनाएंगे कि नाइट के टाइम पर यहाँ पर आउटिंग करें थोड़ी, और आपको दिखाएँ साहीवाल में है क्या क्या, कौन सी चीज़ कहाँ पे मशहूर है, कितना क्या रेट है उसका। आज की जो हमने चिकन शनवारी कढ़ाई 560 रुपीज़ उसका रेट था हाफ़ का, और मज़े की कढ़ाई थी उसमें। सबसे जो अच्छी चीज़ थी ना वहाँ पे, वो ये था कि फ्रेश उसको वो चिकन को करते हैं, सारा कुछ पीसेस ये वो हर चीज़ आपकी आंखों के सामने हर चीज़ हो रही होती है, बड़ा मज़े का सीन होता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा जिन बंदों को लगता है कि यार स्पाइसी चीज़ें खाने से स्टोमक ख़राब हो जाता है, उनके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है शनवारी रेस्टोरेंट। कोई ये प्रमोशन नहीं है उनकी, कोई सी नहीं, लेकिन एक जगह का क्योंकि मैंने रिव्यू देना था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वैसे यार है ना, तू मेन्यू तो चेक कर किड्डा बड़ा है, ए बंदा ए पढ़ लवे तो सीए की किताब पढ़ लवे एक बराबर ही है। सही आइटम पाइया हुई ने सिगटा समेत, बेच कोई हांडी नहीं दुनिया की छड़ी, तो कोई इन्होंने सालन नहीं छड़िया दुनिया का, सारा कुछ ही बेच लिख दिता शनवारी रेस्टोरेंट।